दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सदी के पहले नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस की असली जान बाहुबली डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर को जारी किया जा चुका है 5 लैंग्वेजों के माध्यम से यानी हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से। आज इस फिल्म के ट्रेलर को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भैया लॉन्च किया गया है इन 5 लैंग्वेजों के माध्यम से। तो भाई इस ट्रेलर को लॉन्च हुए 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो भैया 6 घंटे में इस फिल्म के ट्रेलर को कैसा सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आदि पुरुष के ट्रेलर को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुए 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन भाई 6 घंटों में इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह का सपोर्ट मिला है ना उसको देखने के बाद, तो भैया इस फिल्म को लेकर हम यही बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई इस फिल्म के खिलाफ जो हेट फैलाया जा रहा है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, भैया वो कारगर साबित होता नजर आ रहा है। यानी भैया इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह का सपोर्ट मिला है 6 घंटों में वो देखने के बाद थोड़ा सा अचंभित करने वाला आंकड़ा लगता है मेरे भाई। यानी भैया थोड़ी देर बाद ही इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया जब इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एड्स के माध्यम से प्रमोट किया जाने लगा ताकि भैया ये ट्रेलर लोगों तक जबरदस्ती पहुंचाया जाए ताकि वो ना चाहते हुए भी इस फिल्म के ट्रेलर को विदाउट स्किप किए देखे। भाई बहुत ही मैं क्या बोलूं आप लोगों से, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे भाई। पता नहीं इस फिल्म को लेकर क्यों भैया कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन भाई मैं इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोगों को बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भाई जब इस फिल्म के काम को ओम राउत ने शुरू किया था डार्लिंग प्रभास के साथ मिलकर, तो भैया उनकी नीयत में इस फिल्म को लेकर कोई खोट नहीं थी मेरे भाई। उन लोगों ने बहुत ही शिद्दत से बहुत ही ईमानदारी से इस फिल्म को बनाने की कोशिश की इंडियन ऑडियंस के लिए। लेकिन भाई इस फिल्म के खिलाफ जो लोग भैया नेगेटिविटी फैला रहे ना उनका एजेंडा साफ है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यानी कि भैया ऐसी फिल्में अमूमन हमारी बॉलीवुड में बनती नहीं है, और अगर कोई बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करता है तो भैया उनके रास्ते में क्यों कुछ लोग रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, इसका कारण आप लोग समझ सकते हो कि भैया बॉलीवुड में ऐसी फिल्में जब बनती है तो भैया बॉलीवुड में थोड़ी सी हलचल मच जाती है कि भाई ऐसी फिल्में क्यों बॉलीवुड के मेकर बना रहे हैं। तो भाई चलिए अब इस फिल्म को तो ओम राउत ने बना दिया है और भाई कुछ लोग इस फिल्म को डाउन करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिए हैं, इसके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिए हैं, जिसका असर भैया इस फिल्म के व्यूज़ पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी भैया इस फिल्म के ट्रेलर को हिंदी लैंग्वेज में 6 घंटों में जो व्यूज़ मिला है ना भाई वो आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। मैं तो सोच रहा था कि भैया कम से कम 6 घंटे में इस फिल्म के ट्रेलर को 10 से 12 मिलियन व्यूज़ मिलना चाहिए था, लेकिन भाई वो आंकड़ा केवल 6.4 मिलियन का है। लेकिन हाँ इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि भैया ये पॉजिटिव साइन है कि भैया 7,20,000 लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को अपने लाइक से नवाजा है मेरे भाई। यानी भाई जितने लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा तो उसमें से भैया कुछ लोग इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर ये बात कह रहे थे कि उनको ये ट्रेलर अच्छा लगा। उसके बाद भैया इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को जो अब तक व्यूज़ मिला है 6 घंटों में वो आंकड़ा है 3.5 मिलियन का, और भाई यहाँ भी इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छा खासा लाइक मिला है जनता के द्वारा। यानी 4,32,000 लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को अपने लाइक से नवाजा है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया तमिल कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज की, तो भाई इन तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म के ट्रेलर को अभी तक 1 मिलियन का आंकड़ा छूने का मौका नहीं मिला है मेरे भाई। यानी भैया तमिल लैंग्वेज में अब तक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 घंटों में जो व्यूज़ मिला था वो आंकड़ा था 4,646,000 का, और भाई इस लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म को जो लाइक मिला था वो आंकड़ा था 66,000 का। देन उसके बाद कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म को 6 घंटों में जो व्यूज़ मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो भैया वो आंकड़ा है 2,01,467 का, और भाई इस प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के ट्रेलर को जो लाइक मिला है वो है 57,000 का। देन उसके बाद मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म के ट्रेलर को 2,89,218 व्यूज़ ही मिले थे एग्जैक्ट 6 घंटों में, और भाई इस लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म को जो लाइक मिला था वो आंकड़ा था 54,000 का। यानी कि भैया कुल मिलाकर 6 घंटों में इस फिल्म को इन 5 वर्जनों के माध्यम से जो व्यूज़ मिला है वो आंकड़ा है 10.7 मिलियन का, और भाई अगर हम लाइक वाले सेक्शन की बात करें तो भैया वो आंकड़ा है 1.3 मिलियन का। यानी कि भैया यहाँ पर इस फिल्म के साथ एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि भाई इस फिल्म ने भैया 6 घंटे से पहले ही 1.3 मिलियन का आंकड़ा छू लिया था लाइक के मामले में।
यानी कि भैया जो भी इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा है वो इसकी प्रशंसा कर रहा है ये कहते हुए कि उनको ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया मेरे भाई। लेकिन नेगेटिव खबरों का बाजार सच चुका है इस फिल्म के खिलाफ, कुछ लोग इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया उन लोगों को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप लोगों को फिल्म मेकिंग का इतना ज्ञान है, आपके पास इतना समझ है, आपके पास इतना बूझ है, तो भैया आप जाइए ना उम्र के पास, उनके पास जाकर आप ये बात उनको बोलिए कि भैया VFX कैसे बनता है, एनिमेशन कैसे बनता है, कैसे भैया आप किसी फिल्म को डेवलप कर सकते हो CGI और भैया बेहतरीन भैया एनिमेशन के माध्यम से, तो भैया उनको जाकर आइडिया तो दीजिए भाई। हाथ पांव फूल जाएंगे तुम लोगों के, खाली बैठ कर यहाँ पर बकर बकर कर लोगे, कभी फिल्म मेकिंग का फी जानते हो, मेकिंग तो छोड़ दो यार, तुम लोग से दूर की बात है। लेकिन चलो तुम लोग का भी काम यही है कि भैया प्रोपोगेंडा नहीं फैलाओगे, नेगेटिविटी नहीं फैलाओगे, तो भैया कुछ लोग कैसे तुम्हारी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि भैया इन दिनों तो यही हम बात देखते हैं कि भैया यहाँ पे थोड़ी सी धार्मिक बात कहना चाहूँगा कि भैया जब भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने जाती है तो भाई उसके खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, भैया उनको व्यूज़ अच्छा मिलता है मेरे भाई, तो गलत है, गलत है दोस्त। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।